Students, I am Ajaypal sir from Vekanand Senior Secondary School, Bani. Now start the next concept of class 7th, chapter 5th, acid, base and salt. तो आज हम chapter 5th, acid, base and salt का last topic discussion करेंगे, that is the neutralization in everyday life. तो first of all मैंने आपको बताया था what is neutralization. Neutralization क्या होती है? जब acid और base आपस में दोनों react करते हैं. ओके, एसिड और बेस आपस में दोनों रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, उसी को ही न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं. ओके तो इसके अंदर कहते हैं हम इनडाइजेशन. आर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमारे स्टमक के अंदर आपको पता हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. ओके इनडाइजेशन कहते हैं. आर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड. ये क्या करता है? हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. आपको पता है हमारे शरीर के अंदर तेजाब होता है. ओके एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर सेकंड, जैसा कि आपने चैप्टर सेकंड के अंदर भी पढ़ा, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉल्स इनडाइजेशन. बट अगर वो तेजाब बहुत ज़्यादा हो जाए तो इनडाइजेशन हो जाती है आपको, पेट के अंदर आपका भोजन पचता नहीं है. फिर सम टाइम इनडाइजेशन इज पेनफुल, और कई बार जब इनडाइजेशन होती है वो पेनफुल, पेट के अंदर दर्द भी होने लग जाता है. टू रिलीव इनडाइजेशन, इनडाइजेशन से बचने के लिए वी टेक एन एंटा एसिड. हम क्या करते हैं? एंटा एसिड लेते हैं, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. सबसे कॉमन जो एंटा एसिड है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसको लिया जाता है. विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वो एक बेस होता है. मैंने आपको ये बताया था किसी भी चीज के पीछे अगर वो एच लग जाए तो वो क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? वो बेसिक बन जाती है. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक है, और हमारे बॉडी के अंदर क्या ज़्यादा बन रहा है? एसिड मोर मात्रा में बन रहा है. अब एसिड हमारे पेट के अंदर ज़्यादा बन रहा है, बेस हमने बाहर से खा लिया, तो दोनों चीज़ें कंबाइन करके हमें क्या देंगी? साल्ट प्लस वाटर. साल्ट बनेगा प्लस पानी बनेगा. ओके और इससे हमारा जो पेन होगा वो सही हो जाएगा. ओके दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन एक्शन. इसी को न्यूट्रलाइजेशन एक्शन बोलते हैं. इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड. जो ज़्यादा हमारे पेट में तेजाब बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. नेक्स्ट इज एंट स्टिंग. द स्टिंग ऑफ एन आंट कंटेन फॉर्मिक एसिड. जो आंट होती है उसके स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है. व्हेन एन आंट बाइट, और जब चींटी जो है वो काटती है, इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन. तो वो अपने मुंह में से जो एसिड है फॉर्मिक एसिड, वो हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देती है. द इफेक्ट ऑफ द आंट स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा. अब आप उसके अंदर फॉर्मिक एसिड है, अब आप तो उसके ऊपर ऐसी चीज लगाओगे जिसके ऊपर जिसके अंदर बेस होगा, एसिड प्लस बेस क्या करेगा? उसको न्यूट्रलाइज करेगा. द इफेक्ट ऑफ स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा को अगर हम रगड़ते हैं, बेकिंग सोडा का फार्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. मैं आपको फार्मूला लिखवा देता हूँ, आपको हायर क्लासेस के अंदर आगे ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे. ओके तो फार्मूला क्या था हमारा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम को एन ए लिखते हैं, हाइड्रोजन को एच लिखते हैं, कार्बोनेट सी ओ थ्री. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं. दिस इज द बेकिंग सोडा. ओके बेकिंग सोडा. ओके ये बेकिंग सोडा होता है, जो आपको क्या कहता है, कई बार केक के अंदर यूज होता है, कई बार सब्जी में भी यूज कर लेते हो. तो ये हमारे भोजन को क्या करता है, हमारे यहाँ पे बेसिक है, वहाँ पे हमारे भोजन को क्या करता है, अच्छी तरह पकाने में मदद करता है, और यहाँ पे हमें न्यूट्रलाइज करता है उस एंट स्टिंग से फॉर्मिक एसिड के, न्यूट्रलाइज कर देगा. ओके एंट स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा और कैलेमाइन सोल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट. कैलेमाइन के अंदर जिंक कार्बोनेट
होता है ZnCO3। नेक्स्ट इज सोइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज मेक दी सोइल एसिडिक। अगर हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो भी हमारी सोइल एसिडिक हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो व्हेन दी सोइल इज अदर एसिडिक, टू एसिडिक और टू बेसिक। तो उसमें अगर सोइल ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा बेसिक हो तो उसमें प्लांट ग्रो नहीं करते। व्हेन सोइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीट विद बेस लाइक क्विक लाइम और स्लेक लाइम। इफ सोइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट। अगर जो सोइल है वो बेसिक होती है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर गोबर वगैरह डाला जाता है। ऑर्गेनिक मैटर इज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सोइल। ओके, तो आपको पता ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर एसिड होता है जो न्यूट्रलाइज कर देता है बेसिक नेचर को। फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडी द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। उन्होंने बोला फैक्ट्री वेस्ट के अंदर भी एसिड होता है, अगर हम उसको सीधा ही तालाब के अंदर या नदी में डालते हैं तो मछलियों जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो प्रभावित होते हैं। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो इसलिए फैक्ट्री वेस्ट को रिवर में ट्रांसप्लांट करने से पहले उसके अंदर क्या किया जाता है बेसिक सब्सटेंस मिक्स किया जाता है, इससे वो क्या हो जाता है न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आपने इस चैप्टर को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेशन करनी, चैप्टर के चैप्टर एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, ट्रांसलेशन आनी चाहिए। तो ये भी आपका आज का वर्क है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।